एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट द फर्स्ट फील्ड कॉल्ड आईडी। तो सब एक्सेस जो है आपका, वो आपका बाय डिफॉल्ट आईडी क्रिएट कर देगा आईटी नाम से एक फील्ड। द डेटा टाइप ऑफ दिस फील्ड इज ऑटो नंबर। इनका जो डेटा टाइप होता है वो ऑटो नंबर्स होता है। ऑटो नंबर्स का मतलब हो गया वो सिक्वेंशियल नंबर होंगे। ओके, विच मीन्स एक्सेस विल ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ सिक्वेंशियल नंबर इन दिस फील्ड और ईच न्यू रिकॉर्ड। यू कैन ऐड अ न्यू सेल टू द टेबल बाय एंटरिंग डेटा इन दिस क्लिक टू ऐड कॉलम। एक्सेस विल ऑटोमेटिकली असाइन अ डेटा टाइप बेस्ड ऑन द डेटा यू एंटर। एज यू विल क्लिक ऑन द बटन गिवन ऑन द फील्ड्स एरिया लाइक क्लिक टू ऐड, एज यू विल क्लिक ऑन इट यू कैन रिटाइप योर द नेम फील्ड नेम। क्लिक ऑन एम्प्टी फील्ड बिलो द क्लिक टू ऐड, और आपका जहाँ पे ब्लैंक एरिया दिया हुआ है क्लिक टू ऐड के जस्ट नीचे, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम्पल प्रिया, एंड देन प्रेस आइदर द टैब और द एंटर की। यू विल नोटिस दैट एक्सेस हैज असाइन वैल्यू 1 टू द आई डी फील्ड एंड नेम द सेकेंड कॉलम एज फील्ड 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी जो डेटा शीट है वो कंप्लीट हो रही है। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट क्लिक टू ऐड लेबल शिफ्ट टू द थर्ड कॉलम, ऑब्जर्व दैट द थर्ड आइकन इन द रो सेलेक्टर चेंजेस टू अ पेंसिल विच इंडिकेट्स दैट द रिकॉर्ड हैज बीन चेंज बट नॉट सेव्ड। द एस्ट्रिक साइन मूव्स टू द नेक्स्ट रो, ऑब्जर्व दैट टू टैब्स फील्ड एंड टेबल अपीयर्स ऑन द रिबन अंडर द टेबल टूल कॉन्टेक्स्चुअल टैब। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो इसमें एंटर हो जाता है। फील्ड नेम्स आपकी डिफॉल्ट होती हैं, और इसे भी आप जैसे आपने डिज़ाइन व्यू सेव किया था उसी तरीके से आप इसे भी सेव कर लेंगे। रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड, रूल्स क्या होते हैं फील्ड को नेम करने का। फील्ड का नेम अब जब आप देते हो तो उसका क्या रूल होता है। एज यू ऑलरेडी नो दैट अ टेबल हैज़ मल्टीपल फील्ड एंड ईच फील्ड इज़ अ यूनिक टू अ टेबल, ईच फील्ड हैज इट्स ओन नेम एंड डेटा टाइप। फॉलोइंग आर सम रूल्स फॉर नेमिंग फील्ड। अ फील्ड नेम कैन रेंज फ्रॉम 1 to 64 कैरेक्टर्स। अ फील्ड का जो नाम होता है वो 1 से लेकर 64 कैरेक्टर्स तक का होता है। और फील्ड नेम में आप ले सकते हो लेटर्स नंबर एंड सम स्पेशल कैरेक्टर, जनरली द अंडरस्कोर साइन इज यूज्ड। और इसमें मोस्टली हम अंडरस्कोर साइन यूज़ करते हैं जो माइनस जैसा होता है, बट ये आपका बिल्कुल बॉटम पे होता है। अ फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्पेस। कभी भी आप फील्ड नेम को ब्लैंक स्पेस के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते। आपका फील्ड नेम अपर केस लोअर केस और मिक्स्ड केस में हो सकता है। अ फील्ड नेम कैन नॉट हैव अ पीरियड फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन ब्रैकेट्स और द ग्रेव अकाउंट। तो इस तरीके से आपका कोई भी साइन आप नहीं यूज करोगे। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड नेम दैट इज स्टोरेज साइज फॉर्मेट एंड वैलिडेशन रूल बाय स्पेसिफाइंग सर्टन कैरेक्टरिस्टिक इन द फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। तो आप अपनी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो फील्ड नेम की, लाइक स्टोरेज है, साइज है, फॉर्मेट है, वैलिडेशन रूल है बाय स्पेसिफाइंग सर्टन कैरेक्टर्स। Okay, then we'll see which type of data we can enter in the data sheet or cell in a table. Every table consists of field and every field has its own set of property which describe the characteristics and behavior of data added to that field. तो जब हम टेबल में किसी भी टाइप का डेटा एंटर करते हैं तो उनका एक अपना कैरेक्टर होता है, लाइक टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है ना, शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है एंड ऑटो नंबर्स होते हैं, मतलब एक टाइप होता है डेटा को एंटर करने का। वी कैन नॉट ऐड एनी थिंग इन द एनी ऑफ द सेल और एनी ऑफ द कॉलम। हम किसी भी कॉलम में किसी भी टाइप का डेटा एंटर नहीं कर सकते। तो नाउ हियर वी विल सी फील्ड हुज डेटा टाइप इज नंबर कैन ओनली स्टोर न्यूमेरिक डेटा एंड डज नॉट अलाउ यू टू एंटर टेक्स्ट डेटा इन टू इट। तो लाइक आपने किसी कॉलम में फील्ड नेम में आपने नंबर्स अलाउ कर दिया, तो यू कांट एंटर टेक्स्ट देयर। आप वहाँ पे टेक्स्ट नहीं एंटर कर सकते। सो विल सी इन द उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें शॉर्ट टेक्स्ट क्या होते हैं। डेटा टाइप अगर शॉर्ट टेक्स्ट, इट इज़ यूज टू स्टोर टेक्स्ट और कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स दैट डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन सच एज एड्रेस एंड फोन नंबर्स। द फील्ड विद दिस डेटा टाइप कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स। तो इसमें आप 255 कैरेक्टर्स तक यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके टेक्स्ट और नॉर्मल नंबर हो सकते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। लॉन्ग टेक्स्ट
आपका नंबर्स अप टू 65,536 कैरेक्टर्स यूज़ करता है, और ये एक आपके डिस्क्रिप्टिव फील्ड होती है जैसा आपने वहाँ पे पढ़ा था, और ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, ये आपकी चॉइस होता है आप डिस्क्रिप्टिव फील्ड फिल करिए या नहीं करिए। नंबर्स, इट्स स्टोर न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन यूज़ फॉर कैलकुलेशंस। अ नंबर डेटा टाइप कैन स्टोर इंटीजर वैल्यूज एज वेल एज डेसिमल वैल्यूज। इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड कर सकते हो जिसका यूज़ हम कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। इसमें आपके इंटीजर्स नंबर्स और डेसिमल नंबर वैल्यूज दोनों हो सकती हैं। द मैक्सिमम साइज जो होता है नंबर्स को ऐड करने का वो 16 बाइट्स है। डेटा टाइप डेट एंड टाइम, इट इज स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज। यू कैन डिस्प्ले डेट्स एंड टाइम्स इन वेरियस फॉर्मेट। द मैक्सिमम साइज यूज बाय दिस डेटा टाइप इज 8 बाइट। तो यहाँ पे आप डेट एंड टाइम का एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप एंटर कर सकते हो, और इनका जो मैक्सिमम साइज होता है वो 8 बिट होता है, और जो भी कैलकुलेशन होते हैं रिलेटेड टू डेट एंड टाइम वो सब इसी फील्ड में होते हैं। करेंसी, करेंसी आपका होता है इज यूज टू स्टोर मोनेट्री डेटा टाइप अप टू 8 बाइट। तो यहाँ पे आपका किस टाइप का डेटा होगा, मोनेट्री टाइप का डेटा होगा। ऑटो नंबर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट जनरेट अ सिक्वेंशियल नंबर व्हेन Whenever a new record is added to a table, the value in the auto number field cannot be changed. Store data as 4 bits value typically used to create an identify column which uniquely identify each record in a table. तो ये आपका auto number like 1, 2, 3, 4 से चलता जाएगा जैसे जैसे आप add करते जाओगे। Yes or no? It is used to place where the field can have only one possible value. अगर आपने ये set किया तो वहाँ पे आप सिर्फ एक possible value ही enter कर सकते हो, like योर फीस इज डिपोजिटेड, तो या तो येस होगा या तो नो होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो ये आपका हो गया ऑप्शनल, और इसमें आपकी आइदर ट्रू फॉल्स येस नो और ऑफ एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक अ स्टूडेंट कैन आइदर बी अ मेल और अ फीमेल इज अ एग्जाम्पल। ओके, देन विल सी वॉट इज ओ एल ई ऑब्जेक्ट। दिस इज यूज टू एम्बेड एन object created in another application such as Microsoft Word document, Excel spreadsheet or PowerPoint presentation into the access table. It store up to 2 GB data. इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी other format में, other document में बने हुए data को हम इसमें embed कर लेते हैं। Okay? हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है किसी भी वेब पेज को अपने मेन पेज से, होम पेज से लिंक करा लेना, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है कि आपका जो लिंक्ड एड्रेस होता है वो ब्लू हाइलाइटेड होता है, एंड इफ़ यू विल क्लिक ऑन दिस हाइलाइटेड ब्लू हाइलाइटेड टेक्स्ट देन यू विल डायरेक्टली जंप ऑन द वेब पेज जो भी उस आपके डॉक्यूमेंट से लिंक्ड है। अटैचमेंट, अटैचमेंट आपका नॉर्मली होता है लाइक फाइल्स आप अटैच कर देते हो, एक आपका पिन जैसा वहाँ पे ऑप्शन शो करने लगता है। दिस डेटा टाइप अलाउज यू टू अटैच इमेजेस, स्प्रेडशीट फील्ड, डॉक्यूमेंट, चार्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ सपोर्टेड फाइल्स टू द रिकॉर्ड इन योर डेटाबेस। तो आप इसमें फाइल्स अटैच कर सकते हो। देन कैलकुलेटर, दिस डेटा टाइप इज यूज व्हेन अ यूजर क्रिएट्स टेबल फील्ड दैट कैलकुलेशन वैल्यूज। द कैलकुलेशन कैन इंक्लूड वैल्यूज फ्रॉम अ फील्ड इन द सेम टेबल एज वेल एज बिल्ट इन एक्सेस फंक्शन। तो ये आपका नॉर्मली कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गया है, और इसमें आपके जो मोस्टली यूज होते हैं डेटा टाइप्स वो होते हैं क्वेरीज, फॉर्म्स एंड टेबल्स। लुकअप विजार्ड क्या होता है? लुकअप विजार्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट अ फील्ड हुज वैल्यूज आर चूजन फ्रॉम द वैल्यूज इन अनदर टेबल। क्वेरी और लिस्ट ऑफ वैल्यूज बाय डिफॉल्ट एक्सेस सेट्स लुकअप फील्ड टू द नंबर डेटा टाइप। तो लुकअप्स आपका होता है कि किसी आपका कोई वैल्यूज है और आपने उसको, आप उसको चूज करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, तो लुकअप के थ्रू हम कोई भी सेलेक्टेड फील्ड या फॉर्म से आपका डिफॉल्ट ले सकते हैं। नाउ विल सी सम एक्सरसाइजेस। सो विल स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। पॉइंट नंबर 1, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम दैट आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा DBMS। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
देन डैश इज रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपका यहाँ सॉर्टिंग हो जाएगा. अ डैश की इज अ सॉर्ट ऑफ चेक, यहाँ पे प्राइमरी हो जाएगा. एंड डैश डेटा टाइप इज यूज टू डिस्क्रिप्टिव फील्ड. 6 में आपका हो जाएगा लॉन्ग टेस्ट. एंड आई थिंक कि आप इसे कंप्लीट कर सकते हो. पॉइंट नंबर 7 है जनरेट अ सिक्वेंशियल नंबर, तो ऑटो नंबर हो जाएगा. तो उसके बाद है आपका डैश व्यू डिस्प्लेज द टेबल एज ग्रिड. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेटा शीट. एंड पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा आपका फॉर्म्स आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट. एंड पॉइंट नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा रिपोर्ट्स. आपको मैंने बताया था कि रिपोर्ट्स एक प्रिंटेबल फॉर्मेट होती है जब हमें डायरेक्टली प्रिंट करना होता है. आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू डू ट्रू एंड फॉल्स. आई नो दैट यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. सो हैव अ नाइस डे.